तो जितेंद्र आवर का इतना सवाल ही नहीं था। कब्रस्तान का जो चेंज हुआ उसमें बहुत बड़ा है, आज बोल नहीं सकता है कि मैं 20-25 हजार से जीत सकता। मतलब ये चुनाव में जो है काफी चैलेंजिंग है, बहुत संघर्ष है। पंडित साहब आपकी विचारधारा किससे है, हिंदुत्ववादी से है या फिर जो है मुस्लिम समाज से है या अन्य? हर जगह मीटिंग कर रहे हैं, कई बार मीटिंग कर रहे हैं, फिर क्यों फेल हो गए आप टोरेंट में? ये बाईपास रोड है, उसके लिए भी मुमरा में बहुत हमने आंदोलन किया, जो टिकट लगेगा वो शेर। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। प्रहार टाइम्स में आज एक ऐसा चेहरा हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो कलवा खारे गांव ही नहीं इन्हें जानता, बल्कि पूरा कलवा मुमरा के लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। अपने राजनीतिक करियर में काफी उतार चढ़ाव देखा है दशरथ पाटिल जी ने, और यही नहीं 3 बार नगर सेवक रह चुके हैं, प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। हम बात करते हैं पाटिल साहब से। पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल पाटिल साहब, आप काफी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और कलवा के अंदर 3 बार आप जो है नगर सेवक रह चुके हैं, ऐसे में क्या उतार चढ़ाव देखा है आपने? मैंने एक ही देखा है कि जो आदमी काम करता है प्रामाणिकता से, लोग उनको चुन के देता है, ये पहली बात है। शुरू में हम सोशलिस्ट पार्टी थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, जिस पार्टी में मैं काम करते थे, जो आनी बानी शुरू हुआ उस टाइम में जनता पार्टी बन गया, सब समाजवादी सोशलिस्ट लोग जनता पार्टी में आया, जनता दल का 2 टुकड़ा हो गया, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, फिर जनता पार्टी लोकदल और जनमोर्चा वीपी सिंह का, ये मिलके जनता दल बन गया, उस पार्टी में आया। वैसे मेरा पार्टी बदलने का नहीं, पार्टी बदल गया इसलिए मैं ऐसा सोशलिस्ट लोग का आया। पार्टी बदलने का जो मामला है, ये क्यों आपने किया ऐसा, मतलब कभी ये पार्टी में कभी वो पार्टी में, ऐसा क्यों, क्या रहा कारण इसलिए? देखो, जो मृणाल ताई गोरे थे, बापू कालदा थे, बड़े नेता थे, उन्होंने मेरे को बोला था ये तुम कॉम्प्रोमाइज करो, और इसी से मेरे को मन दुखी होगा, इसलिए कि बाबा इस पार्टी में आप आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं। इसलिए हमारा प्रधान ग्रप प्रधान साहब जो पुना का जो विधान परिषद की विरोधी पक्ष नेते और स्वतंत्र सैनिक दत्ता जी तामण थे, उन्होंने मेरे को सलाह दी। पाटिल साहब, आप जब 2014 में विधानसभा में चुनाव में खड़े थे तो उसमें आपको वोट क्यों मिला कम, और अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें कलवा से वोट ज़्यादा मिला, इसकी वजह क्या रही है? वजह यही बोलता हूँ कि पहला 2009 में चुनाव जो हो गया वही लोकसभा में ज़्यादा वोट का दिया, कलवा से लीड दिया 17,000 का, अभी भी लीड दिया। मेरे चुनाव में लीड कम मिला, इसका कारण है कि जिस हिसाब से काम करना मांगता था शिवसेना ने या किसी ने, वो नहीं किया, वो करना मांगता था। और दूसरी बात ऐसी कि बीजेपी उस टाइम में अलग थी, बीजेपी अलग लड़ रही, बीजेपी का जो 12,000 वोट था वो 12,000 और तुम्हारा ये मनसे का 3,000, वो 15,000 वोट बाजू में गया ना, इसलिए कम वोट गिरा। पाटिल साहब, शिवसेना अगर उम्मीदवार उतारती है तो क्या जीत दर्ज करा पाएगी या फिर जितेंद्र आवाड के सामने वो हार का सामना करेगी? नहीं, सामना ऐसा है कि उम्मीदवार पे मैं बोलता हूँ, जो कैंडिडेट कौन है उसके डिपेंड से। आज की घड़ी में मेरे को एक पास कैंडिडेट दिखता नहीं कोई, अगर फ्रेश कैंडिडेट कोई लाया, कोई नया कैंडिडेट लाया और जितेंद्र आवाड के सामने रख गया, तो मेरे ख्याल से इतना साधारण नहीं कि जितेंद्र आवाड जीत सकता है। मैं उसके ऑफिस में एक दिन कुछ काम के लिए गए थे, कुछ काम के लिए, तभी भी उसको बोल दिया इतना आसान तो जिस समझो मत। यानी इसके पहले आप राष्ट्रवादी में थे, शिवसेना में जाने से पहले आप राष्ट्रवादी में थे और फिर अचानक आप शिवसेना में गए, क्या वजह रही? वजह इसके रह गए कि इस पार्टी में अपने को अगर ये बड़े नेते आगे जाने को कोई देते नहीं, कोई अपना सिफारिश नहीं करते, तो इसलिए मेरे को कि इधर तो कोई स्कोप दिखता नहीं काम के, मतलब राष्ट्रवादी में आपको आगे बढ़ने की चांसेस नहीं थी। बल्कि लास्ट में चांस ऐसा आया कि जितेंद्र आवाड मेरे घर ऑफिस पे आया और बोला आपको विधान परिषद देता हूँ तो आप शिवसेना में मत जाना, हिसाब से होगा, तो मैं विकास के लिए मैं शिवसेना में गया। अच्छा, यस, विकास के लिए, मतलब आप शिवसेना गया, तो मैं गलती भी किया है क्योंकि मेरे को विधान परिषद कबूल किया था किसने, राष्ट्रवादी ने, और शरद पवार साहब के पोर पर मैं आज भी मेरा प्रेम है और आज भी उनको मैं मानता हूँ। पाटिल साहब, पिछली बार आपने जो है विधायक जितेंद्र आवाड के सामने चुनाव लड़ा था, क्या वजह रही है आप चुनाव हारने की, क्योंकि आप धनुष बाण से चुनाव लड़ा था? एक मेरे को दिल में लग गया कि मैं जीत सकता हूँ, ऐसा मेरे को दिल में लग गया। इस कारण ऐसा है कि
या MMI कांग्रेस दोनों भी लड़ते थे। MMI कम से कम 20-25 हज़ार वोट लेंगे और ये जो है कांग्रेस ये 15-20 हज़ार वोट लेंगे, मतलब ये 45 हज़ार तक वोट काट सकते हैं, ऐसा मेरे को लग गया। और कलवा में उस टाइम में पार्लियामेंट में से लोकसभा के चुनाव में 17 हज़ार से लीड था। अगर ये लीड देखा और ये अगर वोटिंग देखा तो उसमें से इतना डिफरेंस आता था कि भाई मुझे इस कलवा में अगर 10-12 हज़ार भी लीड मिला तो भी मैं इधर 4-5 हज़ार से जीत सकता था। हारने का कारण क्या रहा है? हारने का कारण है कि समाज के जो लोग थे, 3 उम्मीदवार खड़े रह गए, उसने 15 हज़ार वोट काट लिया। मेरे को 38 हज़ार वोट था तो मैं 52 तक तो जाता था। हारने के रीज़न ये कि MMI और कांग्रेस अगर सही तरह से लड़ते थे तो मैं 2-4 हज़ार से निश्चित जीतता था, लेकिन उसने पीछे बैकफुट लिया आया MMI और कांग्रेस, इसलिए मैं हार गया। ये आप क्यों नहीं कहते कि जितेंद्र रावत ने विकास किया, आपने विकास नहीं किया था, इस वजह से आप चुनकर नहीं आए? अभी जितेंद्र रावत का इस मतदान क्षेत्र में 5% भी काम नहीं था, 5% भी काम नहीं था। लेकिन हमारे में क्या हो गया, पवार साहब ने हमको बोला मनोज जी सालवी, सुभाष भोईर और दशरथ पाटिल एक साथ में मिलो और तीनों में से कोई भी एक कैंडिडेट करो। हमने उस तरह से कोशिश किया, मैंने खुद किया, मनोज सालवी ने किया, लेकिन सुभाष भाई सुनता नहीं था। नहीं, सुभाष भाई बोलते जो टिकट लगेगा वो शेयर, तो इसलिए हमारा तीनों का मिलता जुलता नहीं होगा, इसलिए जितेंद्र रावत आया, नहीं तो जितेंद्र रावत का इतना सवाल ही नहीं था। पाटिल साहब, आप इस बार चुनाव में नहीं खड़े हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जितेंद्र रावत से अंदरूनी मीटिंग किया हो और इस वजह से आप चुनाव में नहीं उतर रहे? मीटिंग करता हो तो लास्ट इलेक्शन में करता था ना, तब तो मेरे पीछे दौड़ता था, दादा कुछ भी करो, कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ, तुम पीछे खाली लो। चुनाव बोलते विकास नहीं चाहिए, पैसा ही चाहिए, विकास तो नहीं चाहिए। हाँ, विकास तो होता था, देखो विकास के बारे में बोलता था तो मैंने कलवा ब्रिज के लिए पहले आंदोलन किया। कलवा ब्रिज न होते आज तो कलवा मुंब्रा की पोजीशन क्या होती थी? उस टाइम ने बड़े आंदोलन मैंने किया। पाटिल साहब, आप हर मुद्दे को लेकर प्रशासन को, शासन को जगाने का काम करते हैं और कहीं ऐसा नहीं दिखा आप जो है कहीं सफल होते हुए? देखो कलवा ब्रिज का आंदोलन वो मैं जनता दल का था, तभी बहुत बड़े आंदोलन किया, सुधार नायक साहब मुख्यमंत्री उसने बुलाया, मैंने उसको पोजीशन दिया, पोजीशन बता दिया, उन्हें तुरंत 4 करोड़ रुपया मंजूर किया, आज कलवा ब्रिज बना है, वो मैं हमारे आंदोलन से मैं आज छाती ठोक के बोलता हूँ। ये बाईपास रोड है उसके लिए भी मुमरा में बहुत हमने आंदोलन किया। आप कहते हैं कि बाईपास आपने बनवाया, आपके टाइम पे आपने आंदोलन किया तो बाईपास बना, लेकिन यहीं पर जो है NCP के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि वो बाईपास हमने बनवाया, हमने आंदोलन किया। किस पर यकीन करें कि किसने बनवाया? उसका राजनीति में इधर संबंध ही नहीं था तब, इस मतदान क्षेत्र में उसका संबंध क्या बाईपास बनने के लिए? उस मतदान क्षेत्र में कब काम किया उसने मेरे को एक तो आंदोलन बता दो। उस टाइम में ये आंदोलन हमने जनता दल के तरफ से 3-4-5 दल किया तब वो रास्ता बन गया। ये आज मैं तो बोलता हूँ, इसमें आज कई NCP में है, कई MMI है, वो बात छोड़ दो, लेकिन उस टाइम के जनता दल की तरफ से हमने आंदोलन किया तो उसमें ये रास्ता बन गया। लेकिन पाटिल साहब, चलिए बाईपास बन गया, आप कह रहे हैं कि आपके टाइम पे बना, आपने आंदोलन किए थे, लेकिन आज वहाँ पर 110 लोगों की मौत हो चुकी है, मतलब खूनी बाईपास आज उसको डिक्लेयर कर दिया गया है, उसके लिए आप लोगों ने भी कुछ किया? क्योंकि आपने बाईपास के लिए आपने जो मेहनत किया, बनवा दिया, लेकिन उसके बाद जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके लिए आपने क्या कदम उठाया? सवाल ऐसे कि सिर्फ बनवाना ही आपका काम था? नहीं, देखो पहाड़ पे जो टर्न ज़्यादा टर्न जो है उसको फंड्स मिलना मतलब उतना, क्योंकि जैसे कोंकण रेलवे बनाया, बहुत से ऊंचा ब्रिज बनाया है, ऐसा उधर भी ब्रिज बनाना मिलता था, लेकिन मुंब्रा में इतनी आबादी बढ़ गई एक साथ में कि किसी तरह से हम लोग अगर विरोध करने को जाएगा तो और दिन बढ़ेगा। मैं प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन था, 92 में जो प्लानिंग हमने जो बनाया पूरा थाना सिटी का, मैं जनता दल का कॉरपोरेटर था, लेकिन आनंद हिगेन साहब ने बोला कि इधर प्लानिंग कमेटी चेयरमैन बनाने को तो दशरथ पाटिल को ही बना दो, दूसरा कोई बनना नहीं चाहिए। तो उसी हिसाब से मेरे को विश्वास रखा और प्लानिंग कमेटी में हमने 50 बरस का पूरा आगे विचार किया। कुछ ही महीने हुए हैं कब्रिस्तान को लेकर जो है काफ़ी आप अहम रोल निभा रहे थे, लेकिन क्या हुआ उसमें भी फेल हो गए आप? यस,
क्या है उसमें बहुत राजनीति चल गया, सभी पार्टी में राजनीति शुरू हो गया, इसलिए मैं लंबा रह गया। क्योंकि अगर सारे समूह एक साथ में रहता था तो कब्रिस्तान का आरक्षण बदल नहीं सकता था, लेकिन हर आदमी अपना घटक बन के निकल, बाहर जो निकल गया। मतलब मुमरा के जो लोग थे वो आपका साथ नहीं दिए, साथ नहीं रह गया, इसकी वजह से आप फेल हुए। पब्लिक ने सोचना मांगता है कि टोरंटो क्या है, टोरंटो पावर कंपनी क्या है, उसमें क्या जुलूम होने वाला है। आपने टोरंटो के खिलाफ जो है काफी आगे आए थे, उसमें भी आप फेल नजर आए। नहीं, फेल तो आज ने कल भी मैं आंदोलन किया, कल भी आंदोलन किया, लेकिन पब्लिक को मैं इसके इलेक्शन के बाद, आप मेरा और ऊर्जा मंत्री बावन कुल का भी झगड़ा उसके केबिन में हो गया। इलेक्शन के बाद आप कह रहे हैं, यानी इलेक्शन के बाद तो वो लागू हो जाएगा चारों तरफ, जो मुमरा कलवा में जो प्राइवेटाइजेशन है वो तो शुरू हो जाएगा। जब ही चार मीटिंग बावन कुले ने बोला, चारों मीटिंग तक किए उसने, पोस्टपोन किया, उसका कारण क्या? हमने तो चार मीटिंग लगाए थे उसने, चार मीटिंग में जो उनसे पोस्टपोन किया। जब आप इतना कुछ करे फिर क्यों फेल हो रहे? सवाल यही है बार बार कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, हर जगह मीटिंग कर रहे हैं, कई बार मीटिंग कर रहे हैं, फिर क्यों फेल हो गए आप टोरंट में? नहीं, फेल नहीं हो गया, मैं फेल नहीं हो बोला, मेरा तो संघर्ष जारी है, मैं संघर्ष इसके आगे भी करने वाला हूँ। सवाल ऐसा है कि पब्लिक ने भी सोच के हमको सपोर्ट देना मांगता है, हम पब्लिक को घर से उठा नहीं सकता है कि चलो बाबा। लेकिन अभी आप बताइए जो है मुमरा की जनता को, क्या टोरंट आएगी मुमरा कलवा में या नहीं? देखो सवाल ऐसा है कि अगर आएगी तो सरकार एजेंसी करता है, ऐसा मुझे मेरा कहना है, सरकार एजेंसी करता है। इतने सारे विरोध किए, आपने विरोध किए, बहुत सारे लोगों ने विरोध किए, उसके बावजूद आ रही टोरंट। देखो पब्लिक ने कितना भी उठाव किया, लेकिन सरकार के दिमाग में अगर वो लाने का होगा तो लोगों के दबाव डालता है। आज भी 9 लोगों के पास मुमरा में केस हो गया, 2 खारीगांव के लोगों को केस डाल दिया, वे उनका दबाव टोरंटो का चालू है। जब भी पब्लिक, अभी टोरंटो आने के बाद क्या करने का, टोरंटो नहीं आने के पहले से आंदोलन होना चाहिए। अभी ऐसा जैसा मैं बोलता है, ऐसा वो तुम्हारे कब्रिस्तान के बारे में होना चाहिए था। पाटिल साहब, आपकी विचारधारा किससे है, हिंदुत्ववादी से है या फिर जो है मुस्लिम समाज से है या अन्य समाज से है? मैं पूरा समाजवादी विचारधारा से, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विचारधारा के साथ में मैं आज भी हूँ। मैं जब भी शिवसेना में गया तभी भी बोला कि मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आदर्श शिष्य हूँ। आपने अपने कार्यकाल में, राजनीतिक कार्यकाल में 60 मोर्चे से अधिक मोर्चा आपने निकाला है, उसमें कितना सफल हुए हैं आज तक? सफल ऐसे देखो, आप मैं 3 बार, एक कलवा ब्रिज, तुम्हारा बाईपास, और दूसरे बात ऐसे कि हिंदू भारत स्वतंत्र होने के बाद भी जो गांवठा क्षेत्र है, जो गांव हैं, उनकी अब तक किसी को भी सर्टिफिकेट मिला नहीं। गाँव जो लैंड जो यूज करता है अपन घर के नीचे जो, उसको गांवठा सनद बोलता है, वो अभी तक नहीं मिला। उसके लिए मैं बड़ा आंदोलन किया। आज कौसा, मुमरा, कलवा, खारीगांव 32 खेड़ों में, आज 32 में से 30 खेड़ों में, आप 25 खेड़ों में पूरा सबको गांवठन सनद मिला। मतलब ऐसा है कि ये अगर बिल्डिंग गांवठन सनद पे होगा तो गवर्नमेंट लैंड है वो, बराबर है, इसकी सनद मिला लोगों को, इसके घर बांधने का अधिकार मिला, प्रॉपर्टी उसके नाम पे हुआ, वो काम सबसे बड़ा आज मैं बोलता महाराष्ट्र में जो किया होगा ठाणे जिला में, तो फर्स्ट कॉरपोरेशन मैंने जो किया है इस टाइम में, कि किसी भी हालत से वो बोल नहीं सकता है कि मैं 20-25 हज़ार से जीत सकता। मतलब ये चुनाव में जो है काफी चैलेंजिंग है, बहुत संघर्ष है। कोई भी मामले में एनसीपी के लोग सीधा सीधा कहते हैं शिवसेना के जो लोग हैं वो सत्ते में हैं और वो हमारी बात नहीं सुनते क्योंकि हम अपोजिशन में, इसके वजह से हम आज विकास नहीं कर पा रहे मुमरा में, ये क्या सच्चाई? शिवसेना कितना भेदभाव कर रही है? नहीं, ऐसा गलत है। किसका कारण ऐसा कि कलवा स्टेशन में 12-13 करोड़ रुपया खर्चा किया शिवसेना का सत्ता होते हुए? इसका कारण ऐसा है कि मैं जनता दल का एक ही कैंडिडेट था, लेकिन मुमरा से कलवा से ज्यादा सुविधा मैंने खारीगांव में किया था, मैं एक जनता दल का एक ही कैंडिडेट था ना, तो वो बात करना वो गलत है। तो ये थे दशरथ पाटिल जो अपनी बातों को लेकर आमने सामने में रख रहे थे, और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।